जिंदगी में खुशहाली देने वाला है। तो मैं मिथिलेश चौधरी आपको इस वीडियो को एक एक टॉपिक पर बताता हूँ कि 5M क्या है। तो फर्स्ट जो है M क्या है, फर्स्ट M क्या है, मनी। फर्स्ट जो है आपको मनी पर निगरानी रखना चाहिए। आप कोई भी काम करने जाओगे तो फर्स्ट आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। पैसे के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। चाय भी चाहिए तो पैसे, बीवी भी चाहिए तो पैसे, लवर भी चाहिए तो पैसे, कुछ भी चाहिए तो आप बिना पैसे के तो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इस पर नज़र रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। आपके पर्स में जितने पैसे हैं ना, डेली काउंटिंग कीजिए सुबह में कितने हैं। आपके बैंक बैलेंस है, डेली काउंट करते रहिए। आपके कष्ट आपके अकाउंट्स में कितना पैसे है, डेली काउंट करते रहिए। मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग वही तो करते हैं, अपने काउंटर में डेली पैसे गिनते हैं, रखने के टाइम में फिर आते थे गिनते हैं। कि आप अपने मनी को निगरानी रखते हो, नज़र रखते हो। एम फॉर मनी, अगर जिसने भी अपने मनी पर नज़र नहीं रखा वो लाइफ में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट। मनी से पैदा होता है मैनेजमेंट, मनी से पैदा क्या होता है, मैनेजमेंट। अगर आपके पास मनी है तभी तो आप कुछ मैनेज कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा सकते हो, कोई फैमिली चला सकते हो। एक घर में भी जो हाउसवाइफ होती है वो भी एक मैनेजमेंट का काम करती है, वो भी डिपेंड रहती है मनी के ऊपर। तो फर्स्ट मनी, तभी तो मैनेजमेंट आता है। वाइफ को कुछ चाहिए, किराने का सामान चाहिए, ज्वेलरी का सामान चाहिए, या राशन का सामान चाहिए, या रिश्तेदारी में कुछ रिश्तेदारों का जरूरत की चीज़ें चाहिए, तो आप हर चीज़ को मैनेज करती है कि हमारे पास कितना फंड्स है, कितना मनी है, और उसके हिसाब से वो मैनेज करना जानती है। जिसने मैनेजमेंट करना नहीं जाना वो तो मैनेजमेंट नहीं करना चाहेगा, तो मनी कहाँ से रहेगी। तो सेकंड नंबर पर आता है कि आपके पास मनी है लेकिन उस मनी पर कितना निगरानी रखते हो और कितना अच्छी तरह से मैनेज करते हो। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ के हिसाब से उसको मैनेज करना आना चाहिए। जिसके पास 100 रुपया है उसको 100 रुपया के हिसाब से मैनेज करना चाहिए, अंडरस्टैंड। अब थर्ड क्या है, एम मार्केटिंग। अब देखिए, मनी हो गया, मैनेज हो गया, मनी हो गया, मैनेजमेंट हो गया। जब मनी मैनेजमेंट के हाथ में आएगी तो मार्केटिंग अपने आप आएगी, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए, क्या रेट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो अगर सब्जी लेना है तो हस्बैंड जाएगा तो ठग के आएगा, उसके लिए वाइफ ही अच्छी होती है सब्जी लेने के लिए। वो मैनेज करके लाती है कौन सा सब्जी लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, और वहीं पर हस्बैंड जाएगा तो पूरा उठा के ला के रख देगा, पूरी सब्जियां सड़ जाएगी और डस्टबिन में फेंक देगा। तो घर चलाने के लिए घरवाली चाहिए, कंपनी चलाने के लिए पर्सन चाहिए। तो आपको मनी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और तीसरा क्या देखा आपने, मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग भी करने आना चाहिए। अगर मार्केटिंग पर नजर नहीं रखते हो तो आपका मनी धीरे धीरे कम होते जाएगा, मैनेजमेंट वीक होते जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, मशीनरी। अब आता है फोर्थ पॉइंट पर, मनी आ गया आपके हाथ में, मैनेजमेंट करने आ गया, मार्केटिंग आ गया, इसके बाद आप मशीनरी लगाने का सोचते हो, राइट। मनी आ गया, मैनेजमेंट आ गया, आपको मार्केटिंग आ गया, बिजनेस करने आ गया, लेन देन करने आ गया, इसके बाद आपको मशीनरी पर ध्यान देना होता है। कौन सा मशीनरी लेना, डे बाय डे उस मशीनरी पर निगरानी रखना होता है, कौन सा मशीनरी खराब तो नहीं हुआ, कोई मशीनरी ब्रेक डाउन होने से पहले किसी का बोल्ट तो लूज नहीं हुआ। तो वहां पे मशीनरी के ऊपर आपको आपको हर एक मशीनरी का नट बोल्ट देखते रहना चाहिए, निगरानी करना चाहिए, कहीं उसका बोल्ट तो लूज नहीं हुआ। अगर किसी का बोल्ट लूज हुआ तो करोड़ों की मशीनरी को खराब कर सकता है, बात समझ। तो मशीनरी को लूज मत होने दीजिए, अपने लूज कोई भी मशीनरी में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहिए, मोटर को साफ करते रहिए, मशीनरी को साफ करते रहिए, ग्रीसिंग करते रहिए, आयलिंग करते रहिए। तो फोर्थ निगरानी जो हो गया आपका,
मशीनरी, और फिफ्थ क्या है? अब आता है जैसे मनी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, मशीनरी हो गया। अब इस चार चीज को हैंडल करने वाला कौन आदमी है? मैन पावर। सब कुछ कर लिए भैया, लेकिन अगर आपका मैन पावर सही नहीं है, मैन पावर ये चारों को हैंडल करता है। मैन पावर चाहे वो मैनेजर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या वो हाउसकीपिंग हो, ये जो पीछे की जो सारी चीजें हैं मैन पावर के ऊपर डिपेंड करती है। मैन पावर अच्छा है, अगर मैन पावर अच्छा है तो मशीनरी भी अच्छी रहेगी, अगर मशीनरी अच्छी रहेगी तो मार्केटिंग भी अच्छी रहेगी, टाइम पे माल दे पाएगा। होता क्या है, आपने मार्केटिंग किया तो सुनते हो ना, आज ये ब्रेकडाउन होने से बंद हो गया जी, समय पर देना था नहीं दे पाए, शेड्यूल था देने के नहीं दे पाए। आप सारे मैन्युफैक्चरर का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? मशीनरी का एक्सक्यूज बोलते हैं। प्रोडक्शन कितना था लेकिन मशीन खराब हो गया, बॉयलर खराब हो गया, एक हो गया, वो हो गया, मोटर खराब हो गया, मोटर जल गया, हीटर खराब हो गया, तो मैन पावर ही तो जिम्मेदार था मशीनरी खराब होने के लिए। और जब मशीनरी खराब हुआ तो मार्केटिंग वाला वहां पे खराब हो गया। जब मैन पावर वहां पर निगरानी नहीं रखा, जब मैन पावर केयर नहीं किया मशीन को, तो मशीन खराब हुआ, और जब मशीन खराब हुआ तो मार्केटिंग ऑटोमेटिक खराब होगा। जो आपको होच बाई पाइज देना था, जो प्रोडक्ट आज देना था कस्टमर को, आप नहीं दिए। अब जब मार्केटिंग खराब हुआ तो मैनेजमेंट खराब हो गया, मैनेजमेंट पागल होने लगेगा, और जब मैनेजमेंट पागल होगा तो उसके पास मनी की कमी होने लगेगी। तो 5M का मतलब आपने समझ गया, ये 5M पर काफी आपको निगरानी रखनी होती है, काफी केयर हो करनी पड़ती है। अगर जिस तरह से मशीनरी का टाइम टाइम पर उसका नट बोल्ट हर एक चीज को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो मशीन अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देती है, उसी से मैन पावर